गुलबर्गा शहर में अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से सभा फंक्शन हॉल में एक रोजा हज तरबियती कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था। अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए इस साल हज के लिए रवाना होने वाले तमाम मर्द और ख्वातीन यहां मौजूद थे। अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स के प्रोपराइटर जनाब ताहिर अली खान तमाम को हज के लिए जरूरी अहकाम काफी बेहतर अंदाज में सिखा रहे हैं, जिससे हर एक शख्स को बड़ी आसानी से हज को रवाना होने से लेकर वापस आने तक के तमाम अहकाम याद रह सके। अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स हैदराबाद कर्नाटक रीजन में किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। पिछले 24 साल से हजारों लोग इस ट्रैवल से हज उमरा की शहादत हासिल कर रहे हैं। अब तक जितने भी लोग इस ट्रैवल से हज उमरा मुकम्मल किए हैं वो तमाम लोग काफ़ी मुतमईन हैं। इस साल हज को जाने वाले लोग 20 जून को रवाना होंगे और आगे अगस्त और सितंबर महीने में कोई उमरा जाना चाहता है तो अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल से राबता कर सकता है। 14 अगस्त और 17 सितंबर को उमरा ग्रुप रवाना होने वाला है। मजीद जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें या फिर स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे पास मक्के मुकर्रमा में भी हम भाजियों को तरबियत देते हैं, ये देख लो। वहां भी हमारे होटल के अंदर हम बिटा के तरबियत दे देते हैं। बड़े उलमा इकराम, मुफ्तियाने इकराम, गुलबर्गे के लोग, आतराफ के लोग मौजूद हैं। ऐसा पूरा हमारे ग्रुप को फिर हर वक्त में याद ताजा कराते हैं, हर वक्त में याद ताजा करा देते हैं। में भी बैठे वक्त में भी बाल लोग क्या करते हैं, एहराम बांधते नाफ के नीचे बांध लेते हैं, पूरी बम्बी दिखते रहती है। नाफ भी सदर में है, फर्ज है इसके छुपाना, तो मर्द आदमी नाफ के ऊपर बांधेगा, नीचे कहां तक बांधेगा, टखनों के ऊपर तक बांधेगा, टखनों के नीचे नहीं, कहां तक बांधना है, टखनों के ऊपर। अब बांधने का तरीका, ये एहराम सिर्फ मर्द के लिए है, औरत के लिए नहीं। इसके दोनों किनारों को अपने सामने ला लिए, एक हिस्सा अंदर के हिस्से में, एक हिस्सा बाहर के हिस्से में, खत्म हो गया। चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में आसानी के साथ ऐसा बांध सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ये डबल कर लो, दिखा इसको क्या करना, ये हिस्से को अंदर करो, ये हिस्से को बाहर करो, खत्म हो गया, एहराम बंद गया। इसलिए क्या करना पड़ेगा, ये जो बेल्ट ऊपर जो है ना, हम ये किए ना, इसको छुपाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखिए छुपा लिए, ऊपर से एक चादर डाल लो, देखो ये चादर डाल लिए, मुश्किल आसान, खत्म हो गई बात, सही। अब आप एहराम की पाबंदियों में आ गए। अब पाबंदियां क्या है, सिला हुआ लिबास नहीं पहनेंगे, टोपी भी नहीं, दस्ताने भी नहीं, पैताबे भी नहीं, मोजे भी नहीं, बनी कुर्ता भी नहीं, बनियन भी नहीं, जैकेट भी नहीं, पैजामा भी नहीं, चड्डी भी नहीं, सब उतर गए दोस्त, ये कपड़ों में लपेटे गए, याद आ रही मौत, मुर्दे को भी ऐसी सब उतार लेते हैं। नहलाने से पहले गसाल क्या करते हैं, सब निकालते हैं, नए निकले खैची लाओ जी जरा, सब करके नहला के क्या करते हैं, कफनाए जाते हैं। ये तस्वुर के साथ कि मेरे मौत के वक्त में भी यही हाल होगा। मर्द आदमी के लिए ये एहराम, औरतें अपने ही लिबास के अंदर, इनके लिए कोई मखसूस नहीं है, वही अपना रोजमर्रा का जो लिबास पहनती हैं, साड़ी नहीं, शर्ट सलवार, शरीयत के मुताबिक सिला हुआ उनका जो लिबास है वही जैब तन करेंगी। अब पाबंदियों में औरतों के लिए क्या है, चेहरे को इस अंदाज से खुला रखना है कि गैर महरम की निगाह नहीं पड़ना है, चेहरे को कपड़ा नहीं लगना है। उसके लिए औरतों के लिए बाजार के अंदर एक कैप आती है, हमारे पास मौजूद है, चेहरा खुला रह रहा है, कोई गैर महरम आ गया, ये टखना, ये यहां से लेके यहां तक के उभरी हुई हड्डी, ये एड़ी,
ये सब खुला रखना है। अम्मी व्हीलचेयर पे जा रहे, तुम्हारे बोलते तुम चलो, तुम्हारे अम्मी को लाते हैं। अब उनका भी बैग हम ही लिए हुए रहते, क्या करते मालूम, अम्मी का ढोले ना बोल को उनका भी बैग हम ही डाल लेते हैं। उनका भी पासपोर्ट हमारे पास, हमारा पासपोर्ट भी उनके पास ही। अम्मी चले गए, उन्हों परेशान, हम इधर अम्मी को तलाश करने में वहां यल्ला यही चलते रहे। हाजी अब परेशान परेशान हो जाते हैं, इसलिए बेहतर है उनका बैग उनका पासपोर्ट उनके हवाले कर दो, ताकि इमिग्रेशन के वक्त में उनको जो है ना लाके आपके लाइन में ठहराया जा सके। क्या ऐसा दो दो जो है ना बाला उड़ाने वाले खसर मुकसर नहीं कहलाते, बल्कि पूरे सर पे से, अरे भाई काम बने वहां टाइम को चार चार बाला उड़ा लेते हैं, समझ लेते हैं कि हम खसर कर लिए। नहीं होता, खसर बोले तो पूरा अच्छा पूरा बाला पे मशीन चला लेना, नहीं तो खैची चला लेना पूरे बालों पे। कभी कभी किसी खुश नसीब को आठ जिलहज्जा की फजर के बाद बस आ गई तो मौका मिल जाता है पहुंचने का मीना को। अब मीना के टेंट हैं, कैसे रहते हैं टेंट, एयर कंडीशनड, फायर प्रूफ। ये जो है ना आपके टेंट हैं, इन टेंटों के अंदर आपका क्याम रहेगा। आठ जिलहज्जा की चार नमाजें पढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मेरा नाम मंजूर इलाही है। लास्ट टाइम मैं इनके साथ उमरा को गया था, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे अरकान के साथ वापस पहुंचा दिए, खैर खैरियत से गए, खैर खैरियत से वापस पहुंचा दिए। अब इंशाअल्लाह इस बार जो ना हाजी लोग जा रहे हैं, इनके ग्रुप के भी हैं, दूसरे ग्रुप के हैं, गवर्नमेंट के तहत के भी हैं, जितने भी हाजी हैं पूरों की हाजी की खिदमत करते हुए, उनको दावतनामा करते हुए, तरबियत देते हुए उन हज को लेके जा रहे हैं। मेरी दुआ है अल्लाह इनका खैर से हज फरमाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हाजी लोग जा रहे हैं इनके साथ, बड़े खिदमत वाले हैं। क्यों कि पूरे उलमा हैं, ये उलमा की सोबत में रहना आप लोग को भी मालूम है कितनी बड़ी जो ना दौलत है। उलमा के साथ बैठना उठना बड़ा अजर है, उलमा के साथ सफ़र करके हज करना ये सबसे बड़ी खिदमत वाली बात है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है। अल सईद टूर एंड ट्रेवल्स में जो है ना हमारे ताहिर भाई जो खान हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, और उनके जो भतीजे हैं उनके भी बहुत बड़े रोल हैं, और अल्लाह का एहसान है हर वो चीज़ में जो ना मुकम्मिल और कामयाब है। यानी वहाँ पर भी खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ के भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस खाना पसंद करते हैं वो भी खाना मिलता है आपको। यहाँ तक है कि गुलबर्गा का खाना भी मिलेगा आपको, सऊदी का भी खाना अगर पसंद करेंगे तो अलबाई भी मिलेगा और मंदी भी देंगे उनको। ऐसा कुछ नहीं, खाने के अंदर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, आप जो चीज़ मांगे हो। उसके साथ साथ एक डॉक्टर साथ में रहते हैं, यानी वहाँ का एक डॉक्टर आता है, जिद्दा में भी एक है, जिद्दा से मक्का आता है, मक्के से मदीना आता है, एक डॉक्टर भी साथ में रहता है कि कोई भी बीमारी हो तो अपने डोर तक जाकर जो ना उन बीमारी की शफा के लिए दुआ देते हैं। ये जनो या दुआ जो भी हो उन्हों अपने तरफ से पूरा फ्री ये कर देते हैं, और अल्लाह का एहसान है कोई भी हाजी को कोई भी बीमारी होने वक्त से पहले पहुँच जाते हैं। ये बहुत बड़ा करम है, क्योंकि दूसरे ट्रेवल्स में इतने सब सहूलतें नहीं मिलते हैं, आप जहाँ भी जाना चाहते हैं बिल्कुल वहाँ पहुँचा जाते हैं। इतना ही बोल सकता हूँ कि मैं 94 में हज कर रहा हूँ, 94 की बात अगर ताहिर भाई से मैं पूछा तो बिल्कुल मेरे को पॉइंट टू पॉइंट बताया। यानी आप कोई भी सवाल करो कि भाई उस्मानिया हुकूमत में जो है ना मस्जिद नबी कहाँ थी, कहाँ तक थी, वो बताते हैं। अब उसके बाद कहाँ तक भी वो भी बताते हैं, यानी अबू बकर रज़ी अल्लाह का, उमर रज़ी अल्लाह का, ये तमाम जो उनके मकामी जो हैं वो पूरी चीज़ें बताते हैं। और सबसे बड़ी दौलत ये है रियाजुल जन्ना के पीछे ऐसे में जो हुसैन आज़म ताजुद गुजार होते थे वो एक तख्त मौजूद है, वो तक की ज़ियारत कराया। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान करम है, इनके साथ जाने वाले बड़े किस्मत वाले हैं। अल्लाह हर किसी को ये तौफीक दे के इनके साथ जाए उलमा के साथ। मैं अल सईद से हज का इरादा कर रहा हूँ और हज करने जा रहा हूँ। उससे पहले जो भी उनका काम है बहुत अच्छे तरीके से निभाया और अच्छे तरीके से हमारे को ट्रेनिंग दिया, और अल सईद के ताहिर साहब ने जो समझाया छोटे बच्चे को भी समझ में आया समझाया, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं एक मिलिट्री मैन हूँ, मैं ऑल इंडिया का टूर किया हुआ आदमी हूँ। सही, ये अल सईद में आने के बाद मुझे हर चीज़ मालूम हो गया कि दुनिया में क्या होता है, कैसा हज होता है, कैसा ये होता है। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से समझाया और हमारे साथ इतना अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। हाँ, हर चीज़ का, खाने का, पानी का, चाय का सारा इंतज़ाम कर रहे हैं।
मैं अल सईद को बहुत शुक्रगुजार हूँ, ताहिर भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से एक रोज़ा हज तरबियती कैंप मुनाकिद किया गया था। आज 12 जून है और बरोज़ पीर के दिन सभा गार्डन फंक्शन हॉल के अंदर सुबह 10 बजे से मुसलसल चल रहा था और 4 बजे तक या 5 बजे तक चलेगा। हज इस्लाम का एक अहम रुकन है और एक अहम फ़र्ज़ है। इसके लिए ज़रूरी है कि जब भी हम हज को या उम्रे का इरादा करें, जो ज़िंदगी में हम लोग एक मरतबा या दो मरतबा बहुत कम जाते हैं, अल्लाह ताला जिनको कबूल करते हैं वो लोग आते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ट्रेनिंग ली जाए। ट्रेनिंग जितनी ली जाएगी उतनी कम है, क्योंकि वो मकाम ऐसा है, ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे नए चीज़ें हमें देखने मिलती हैं। इसके लिए माहिर तजुर्बा का जो लोग इस चीज़ के हैं उनसे ट्रेनिंग ली जाए। तो इसके निस्बत से आज अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से एक पूरा दिन भर का ट्रेनिंग कैंप हज 2023 को जो हुज्जाज इकराम जा रहे हैं उनके लिए रखा गया था। बिल्कुल बहुत आसान तरीके से मॉनिटर के ज़रिए से, काबतुल्ला के मॉडल के ज़रिए से हज के जो 5 दिन हैं वो तमाम चीज़ें तफसीली तौर पर, जो 5 दिन हैं वो तफसीली तौर पर मीना में किस तरह क़याम होगा, अरफात में किस तरह क़याम होगा, मुज़दलिफ़ा में किस तरह से क़याम होगा, वहाँ के क्या आमाल हैं, वहाँ की क्या क्या चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें बताई गई थी। इसके अलावा उम्रे का भी तमाम तरीक़ा मॉडल के ज़रिए बताया गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्रेनिंग को जो दे रहे थे वो हैं रहबरुल हुज्जाज अलहाज ताहिर अली ख़ान साहब, जो पिछले 24 साल से हज और उम्रे की जो लाइन है इसके अंदर इखलास के साथ काम कर रहे हैं। अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स जो तारुफ़ का मोहताज नहीं है, हैदराबाद कर्नाटक रीजन में, इसके अलावा पूरे मुल्क से बहुत सारे अफराद हज और उम्रे को का सफ़र कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्रगुजार हैं वो तमाम लोगों का जो यहाँ पर आज आकर ट्रेनिंग लिए हैं। अल्लाह ताला उनके हज को और उम्रे को भी कबूल फरमाए। इसके अलावा हम जो भी यहाँ पर आए, मुंतजिमीन, मीडिया वाले हो, जो भी जिस तरीके से भी मेहनत किए हैं, अल्लाह उन तमाम लोगों को कबूल फरमाए। इंशाल्लाह जो हमारा अगला जो पैकेज है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। जो हमारा अगला ग्रुप जा रहा है उम्रे का, वो 14 अगस्त 2023 को जाएगा, जो सऊदी एयरलाइंस है, डायरेक्ट है, हैदराबाद टू हैदराबाद पूरी फुल सर्विस रहेगी। इसके अलावा 17 सितंबर के भी बुकिंग, उम्रे की बुकिंग चल रही है। इंशाल्लाह जो हमारी ये जो हज का काफिला जाएगा 20 तारीख को जाएगा, 20 जून 2023 को जाएगा और जो सऊदी एयरलाइंस से जाएगा, और इसका रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे है और डिपार्चर टाइम 12:50 को है और अराइवल टाइम 4:05 पर सऊदी टाइमिंग है। लगेज जो ले जाया जाएगा 46 केजी है, 23 23 दो अलग अलग बैग बनाएंगे और हैंड कैरी 7 केजी है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे इस काम को कबूल फरमाए और आने वाले वक्त में और इखलास के साथ काम करने वाला बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ पर हज कैंप में अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से अरेंज किया गया हूँ, जिसमें मैं भी एक हाजी हूँ 50 हाजियों से, और मैं जो इस बार जो है ताहिर भाई के साथ में जा रहा हूँ इंशाल्लाह। और उनकी काफ़ी तारीफ़ें मैं सुना हूँ, कई लोग जो है बहुत अच्छा वो अरेंज करते हैं हज के लिए और वो ख़ुद जो है गाइड बनते हैं वहाँ जाने के बाद और सारे अरकान पूरे कराते हैं इंशाल्लाह, और काफ़ी उनको तजुर्बा है, कम से कम 20-25 साल का एक्सपीरियंस है उनको, इसलिए हम लोग जो है माइंड बनाए कि भाई उनके साथ जाना है करके इंशाल्लाह। जो बयान भी जो दे रहे हैं तरबियत कैंप में, वो खुद दे रहे हैं, ये नहीं कि भाई बाहर वालों को बुलाए हैं, जो गाइड हैं वो खुद जो है वो बयान भी दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह यही जो है वहाँ पे गाइड भी रहेंगे इंशाल्लाह। काफ़ी अच्छा जो है हमारा टूर होगा करके हम तवक्कु कर रहे हैं। आप जो है ऐसे ही एक्सपीरियंस जो हु इज़ नॉट, मतलब कमर्शियल नहीं है, उनका मकसद जो है खिदमत देना है, मैक्सिमम लोगों को जो है हज के लिए ले जाना है और कम प्रॉफिट में, कमर्शियल नहीं है उन्हों, मतलब उन्हों सर्विस ओरिएंटेड है। ताहिर भी जैसे लोग जो हैं जो खुद जो है गाइड हैं और खुद आते हैं साथ में और सारे अरकान पूरे कराते हैं, ऐसे बहुत कम हैं टूर्स एंड ट्रैवल्स, तो इसीलिए ऐसे लोगों के थ्रू ही गए तो बेटर रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी मेरा नाम मोहम्मद अशफाक अहमद है, मैं गुलबर्गा से बात कर रहा हूँ फ़िलहाल, और जो आज जो हज और टूर का कैंप चल रहा है सुबह से,
असर हो रही है, बहुत अच्छा किया गया है। और खाने का इंतज़ाम, चाय का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम, हर एक 10-10 मिनट से आपको पूछ रहे हैं कि पानी चाहिए, चाय चाहिए, क्या चाहिए आपको। और जो हमारे ताहिर अली जो बयान कर रहे हैं जो हज के लिए, काफ़ी हर एक कदम कदम पे जो चीज़ पढ़ना है, जो चीज़ सूर्य पढ़ना है, वो चीज़ आपको समझा रहे हैं कहाँ पर क्या पढ़ना है और कब पढ़ना है, कौन सा कदम पैदल डालना है, कौन सा कदम बांध में डालना है। पहला कदम जहाँ पर हम मक्का में जा रहे हैं तो सीधा पैर डालना है, जहाँ पर जो चीज़ पढ़ना है कलमा वो आपको बताया जा रहा है, इंग्लिश में रहो, अरबी में रहो, जो भी आपका जो लैंग्वेज है आपको उसकी किताब मौजूद है, हर जगह आप पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट में पूरा दिया गया है, हर चीज़ आपको इंटरनेट तो इतना आम हो चुका है आप पढ़ सकते हो। दूसरी बात ये है कि आज इंशाल्लाह हमारा फर्स्ट फ्लाइट 20 तारीख को है, इंशाल्लाह हम लोग जा रहे हैं, इरादा है कि हज अच्छा खूब अच्छा हो और अच्छी से इरादा करें।